एवरीबॉडी नमस्कार, वेलकम टू द निकिता'स ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज है सोमवार, तीसरा सोमवार गढ़वालियों का, सावन के महीने का। और आज ले चलूंगा मैं आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, उसके बाद चलेंगे आपको लेके टपकेश्वर। ये हमारे मोहल्ले की बन रही है रोड और यहाँ पे काफी कीचड़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब लिए चलते हैं आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि देहरादून घंटाघर से 6 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, गड़ी कैंट की साइड में। और पतली सी सकरी सी गलियों से होते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे टपकेश्वर के चौक पे, जो कि पीपल के पेड़ के सामने इसका मुख्य गेट है। और हाँ, दर्शन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नहीं है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम दोनों मंदिर के तरफ। और टपकेश्वर में आज काफ़ी भीड़ है, क्योंकि गढ़वालियों का या पहाड़ियों का, हमारे यहाँ तो भाई सावन का तीसरा सोमवार है। ये है भाई टपकेश्वर महादेव का मुख्य गेट, जहाँ से कि लंबी सी कतार है श्रद्धालुओं की, क्योंकि आज है सोमवार श्रावण मास का। और ये देख सकते हैं आप नीचे मंदिर, अभी हम लगभग 300 मीटर के डिस्टेंस पे हैं मंदिर से, और लगातार भक्त लोग यहाँ आते हैं सुबह से शाम तक ही। और ये देखिए कतार, इस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई सभी भक्तों के। जब भी यहाँ पे लंबी सी कतार में लगे हों, कोई ना कोई अपना देखने को मिलता ही है, लेकिन इस बार मुझे दिख रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स, और जिनको देखेंगे बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, और ये सब अपने रेगुलर व्यूअर भी हैं। ये देखिए, कुछ लोग तो बहुत देर से, घंटों से लाइन में लगे हैं, और कुछ लोग यहाँ से एंट्री मार रहे हैं लाइन में ना आके। ठीक है, यू कैन सी दिस, सारी लाइन वाइन तोड़ के, तो यार जहाँ श्रद्धा हो थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर लाइन तोड़ के जाएँ तो फिर अच्छा नहीं है। खुद सोच के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, इतने सारे जो लाइन में लगे हैं वो कोई मूर्खता का काम नहीं कर रहे। सब सोचिए श्रद्धा किस तरीके की आपकी है, बाकी आपके ऊपर। टपकेश्वर में ये है टपकेश्वर का मुख्य गेट यहाँ से, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे गुफा की तरफ। सामने वैष्णो माता मंदिर इस साइड में, और ये भी देवी माता के ही मंदिर है। यहाँ पर आपको छोटी सी गुफाएँ भी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से सोमवार है श्रावण का, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी भीड़ यहाँ पे है भक्तों की, श्रद्धालुओं की मौजूद। और ये देखिए किस तरीके से बहुत लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है सारे भक्त लोगों की। बम बोले यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर स्टार्टिंग में गुफा द्वार के, और यहाँ से श्रद्धालुओं की बाकी भीड़ ये काफी जिरह कर रहे हैं। काफी लोग तो ऐसे जो लाइन में लगे ही नहीं आए हैं, फिर भी आगे चढ़ने की जिद्दोजिद में लगे हुए हैं। खूब सारी भीड़ यहाँ पे।
फाइनली भाई अम्मा कर आए भोले बाबा के दर्शन, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो अंदर यार टाइम तो लगेगा, बट काफ़ी लंबी लाइन के बीच दर्शन हो चुके हैं। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं लंबी सी लाइन कतार लगी हुई है, और अब निकलते हैं हम घर के लिए क्योंकि हमें वैसे ही लेट हो रही है, बच्चे छोड़ के स्कूल और उनकी छुट्टी का हो गया टाइम। सो अगर आप इसका पहले वाला वीडियो देखना चाहें मेरा, टपकेश्वर पूरे डिटेल्ड वीडियो बना रखा कि मंदिर क्यों है, क्या है और यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो उस वीडियो को देखिए, टपकेश्वर मंदिर से लेकर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फाइनली आप देख सकते हैं जो एक जो गेट है ना, ये लगभग 500 मीटर ऊपर है मंदिर से, मुख्य मंदिर का जो मार्ग है वहाँ से यहाँ तक की लंबी कतार। अभी भी देखिए यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत लंबी सी लाइन, और हर सोमवार को ऐसा होता है और शिवरात्रि को तो यहाँ कदम रखने की जगह नहीं मिलती, और गाड़ियाँ सारा ट्रैफिक का बंद हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है वहाँ पर ब्लॉक, सो दैट कि लोगों को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज सोमवार था तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक ऊपर नहीं रोका गया, तो यहाँ पे काफ़ी रश, काफ़ी भीड़, और ये रहा आपका टपकेश्वर मंदिर चौक। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और देखिए भोले के द्वार, लंबी सी कतार। तो ये है सावन के महीने का हाल, और चलिए आप सभी को भी ओम नमः शिवाय, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर। Thank you.